الله اهل بيته اجمعين أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خاموش کوئی بھی نہ باہے سارے ملتے انتہائی محبت اور انتہائی ادب نال حضور دی بارگاہ خاص وچ حدیعہ درد و سلام پیش فرما ملتے پڑھو السلام سیدی رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات آج دی انتہائی پاکیزہ اور باعث برکت محفل پاک رب العالمین جل شانہ دے بڑے فضل اور کرم دے نال ساکو سارے کو نصیب تھیندی پئی اور دعا فرماؤ اللہ دی ذات ساکو ادب اور محبت دے نال حاضری دی توفیق عطا فرماوے حضرت کچھ ساؤنڈ وہ سنوا ہے اج بھی میرا گلا دا اوے خراب ہائی ہائی یہ شدہ اوے بند چلاون والا میرے خیال کوئی کائی نہیں نہیں کچھ نہ کرے کچھ نہ کرے کچھ نہ کرے چھڑے نہ آواز موٹی بڑی عجیب ہے جو گال دی سمجھ لفظ دی نہیں آندی سپیکر پیر سنگھ صاحب ہیں دیکھو سپیکر دا مقصد ایسی آواز آوے جڑی ہر کہیں کو سمجھ آوے جے گاؤں گاؤں کھڑی تھی وے سپیکر لاون دا فائدہ گال نہیں سمجھے کوئی اثر شو شاتا نہیں مارنا جو پھاڑ دھاڑ کرنی ہے بار اللہ دی ذات کرم فرما دی بس رب دی ذات اُدے احسان نال اُدے کرم نال اُدے فضل نال ساکو اے لمحات نصیب تھائے اور حقیقتاً اوہو بندہ رب کو سب تو زیادہ پیارا لگ دے جڑا اون دے سونے محبوب دی محبت دل وچ رکھدا ہوئے اون دا ذکر کرے دا ہوئے اور اون دا ذکر سندا ہوئے اے محبت اور تعلق دا معیار
कि रब की जात तुसा अगां बवना थी मैं जनाब का दीदार ही करा सारे दा इत जा सह खाली पीए पाशो ये प्लाट ही अपना है वो अपना है तो यही अपना है पिछु पिछु नहीं बावना चाहिए अगां अगां बावना चाहिए मिलता पे आवे ना लख लख रुपए का चेक लैन को धक्का मारते पहले पहले साख मिल वे रहमत मिलती लाख रुपए छड़ा दे ते भी नहीं लभदी सिर्फ मुस्तफा दा जिक्र जेड़ा है रहमत अता फरमा हकीकत मैं गल अर्ज करना चाहना बड़ी तवज्जो तलब है मैं कुना मजमून मफहूम दिते लेकिन जे मैं पुज गया था क्योंकि कुछ चीजा देखते ना मेरा इमेदरी दिमाग आउट थी गए मैं कुछ जी आयत ही आयत ही भूल गई कि आयत केड़ी पढ़नी आई अल्लाह करे मैं वापस आ वना जे तुसा मेरा साथ दिता था औखा काम है तवज्जो फरमाओ मैं के सब तू अजीब और कमाल गाल है कि हर चीज अपनी जिंस च आला उस वक्त थी दी है मेरे लफ्जा को नोट करे तवज्जो कर हर चीज अपनी जिंस दे विच आला अरफा मुअज्जज मोतबर मुकर्रम मुकद्दस और प्यारी उस वक्त थी दी है जेड़े वेले कहीं आला शायद नाल उंदी निस्बत आप बंदे कट्ठे थाए बैठे हैं तवज्जो कराए आप कट्ठे थाए बैठे सारे अगर आप राल तक कट्ठे थी ते एक फिल्म बैठे देखूं बंदे तो उहे आपा जुमला सुनने का और नाल तवज्जो करनी है तवज्जो हेरा साहब दिया मैं के बंदे सारे उहे आए ईहे बैठे हैं सारे अगर ईहे आपा रल ते बहरम ते सामने ला दियो एक फिल्म सवाब मिल सी रहमत वस सी बंदे उहे खालक भी उहो हैं जी रहमत वसावन वाला ता है उहो असा भी उहे यार रहमत नहीं पी वसदी क्योंकि अपने सब दा ताल्लुक कहीं चंगी शाय नाल कहीं थी आप बैठे दे दिया फिल्म रहमत नहीं वसनी बंदे आप ऊहे बैठे हैं लेकिन हुन निस्बत है जिक्रे मुहम्मद मुस्तफा नाल गुना हमीन बख्शी दे पैन रहमती वसदी पे सारे तुसा नहीं बोले सुभान अल्लाह जरा चाहते कि मैं झोली भरते बना अच्छा जरा भरी हुई घेना है वो तो ना बोले जिंदी झोली पहले भरी हुई है जो मां ने अपने उत्ते वो ना बोले जरा सरकार दा फकीर है सरकार दा गुनाम है वो ना बोले सी जरा उची तवज्जो कर हकीकत मैं कह रब दी बारगाह च अर्ज करो मालिका मखलूक सारी तेरी जरा सुने तवज्जो नाल गाल सुनी गौर नाल मैं कह मालिक सोने रब सही सारी मखलूक तेरी सब को पैदा करन वाला तू सब को रिस्क देवन वाला तू रिस्क भी देंदा पाए ते देंदा पाए हयात दित्ती सी ता देंदा पाए कुवत बसारत दित्ती सी देंदा पाए कुवत गोयाई दित्ती सी देंदा पाए कुवत समात अदा फरमाई सी देंदा पाए हयात जिंदगी रगाए दे खून चलदा पाए ता चलदा पाए दिल धड़कदा पाए ता धड़कदा पाए यार रब ने ए भी नहीं दिठा कि रिस्क देवा मुसलमान को देवा काफिर को ना देवा ना ना मुसलमान को ही रिस्क देंदा पाए काफिर को भी देंदा पाए मालिका ये सारे ते को प्यारे लग दे वजो बोले सो मैं बोले सा मुझे स्पीकर में को बोलने की इजाजत नहीं पे देंदा सिर्फ तुम्हारे सहारे ते मैं बोल रहा मैं कि ये गाल बड़ी अजीब है मां प्यो वे ना सी मां प्यो उदे पुत्र वे बाहर हां प्यारे लगते को पता क्या मेरी औलाद है कहीं मैं क्या पता जिंदी औलाद है तो पता है औलाद सी जीती हो सारी प्यारी और जुमला अगला सुनो सारी औलाद चाहे प्यारी है चंगी है ताई प्यारी लगती है तवज्जो है ना यार तुसा बोले ना जी मैं अपना सफर चेक करो मेरा सफर ही चेक करो जो सफर का ख्याल ना करो चार अल्लाह
दर दे कुत्तियां को सलाम, सरकार दे दर दे कुत्तियां को सलाम, ते सरकार दी आल तोड़ते तो आने बूहे दे आवे तुसा चुप नहीं समझ आ रही तक। अच्छा तवज्जो वाली गल, मैं के एक मां प्यो उंदी औलाद सारी चाहे है चंगी उकू लगे प्यारी, अगर होवे मंदी ताई लगे उकू प्यारी। मैं इधर दिखाया जरा, मैं इधर मेहरबानी फरमाए जुमला दिखाए जुमला तवज्जो फरमाए। मैं कहा अजीब निजाम है और गाल विचरी हाफ साहब। मैं गाल है एक मां प्यो मैं सब दिया खीरे दा बैठा जरा इन फिर दे इन फिर दे अक फिरी जहन फिर गया ये मैं ना जी जरा गाल समझन वाली है यार मां दे दिल च प्यार कहे पाते अल्लाह पाते तेरा फरमाए मैं अल्लाह अपनी मखलूक नाल 70 मावा कने ज्यादा प्यार करे ना। गाल सुन दिया ते समझ दिया, सुन दिया ते समझ दिया, ठीक है जी। पहली गाल इस मोहब्बत दा खालक भी अल्लाह, जेड़ी मोहब्बत रब ने दिल छट्टी उंदा मालिक भी अल्लाह, ठीक है जी। हुण जेड़ी मोहब्बत जर्री एक अल्लाह ने मां प्यो दे दिल विच पाती, ओ मां प्यो दा अपनी औलाद को कहीं सूरत भी नहीं छटेंदा, चंगा होवे तां ही नहीं छटेंदा, मंदा होवे तां भी नहीं छटेंदा। मैं कह जरा मालिक 70 मावां कने वध प्यार करें दे ओ। लेकिन सारिया गाली करन दे बाद एक सवाल मैं तुहाडे सामने रखना चाहना, यार एक मां प्यो है वो तो गंदी औलाद को भी नहीं छटेंदा, ते अल्लाह ता 70 गुना करो ज्यादा प्यार फरमेंदे, ठीक है। मैं कह मालिक आ मखलूक सारी तेरी ते को प्यारी भी हो सी, पर गाल समझ नहीं आती जे जहन्नम विच सड़ सिन वो भी तो मखलूक तो तेरी हो सी। पिछे आवाज नहीं की भी जेड़े जहन्नम सड़ सन वो अल्लाह की मखलूक नहीं, उको रब पैदा नहीं फरमाया, उको रब रिज़्क अता नहीं फरमाया, उको रब हयाती अता नहीं फरमाई। मैं कहा मालिक आ जिस मां दे दिल च ते जरिए की मोहब्बत रखी वो तो चंगे ही ना सटे मंदे ही ना सटे, ते तू तो कई मावा कने वध प्यार करे ने, तो मालिक आ जहन्नम च जेकू सड़े से ऊकू क्यों सड़े से, ते जन्नत कै कू भिजे से। रब फरमाए गाल इतनी है मां दे दिल विच है प्यार, मां औलाद को सटेंदी नहीं। जे मैं रब दा प्यार मंगदे वे, जे मैं रब दी मोहब्बत मंगदे वे, आओ नजरा मुस्तफा दा कलमा पढ़ो, गुलाम बन वजन मेरे महबूब दा, जिहड़ा मेरे महबूब दा गुलाम बन सी मैं रब दा महबूब हूं। अच्छा दाल बड़ी मजे दी दाड़ी बावे होवे सी इहो जदी ताज ताज पढ़दा खड़े दिल च हुजूर दा प्यार का नहीं छड़दा पे जहन्नम छड़दा पे, ते जेड़ा आशिक रसूल है सरकार दा गुलाम है गुनाहगार भी रा फरमाए जन्नत पाए तो। नहीं समझे गुलाम होवे ए नहीं के नबी कर क्या सकता है, अरे नबी के पास क्या है। मैं क्या खुदा की कसम तेरे कलमा पढ़न दा फायदा क्या, तवज्जो करनी है यार, जेड़ा नबी कारी कुछ नहीं सकदा ते तू हुंदा ना घिंदा क्यों है, तू उंदा कलमा पढ़दा क्यों है, ओ कलमा दा सा पढूं जेड़े मोहम्मद को मुश्किल कुछ आमले जी। तू किस गले पढ़े कलमा, खुदा की कसम जनाब अबू तालिब जान दे कोई ना, सरकार दे चचा जान जिन्हें हुजूर दी की थी कफालत। ये जुमला इतना के लफ्ज बाहर आए हजरत साहब के बुलें दे औखा थी बंदा। मैं के सारी कायनात दा कफील मुहम्मद मुस्तफा, मुहम्मद मुस्तफा दा कफील अबू तालिब, आखो सुभान अल्लाह। इतराज बाद कराया जा जो हो रूप, लेकिन हकीकत है गाल बड़ी अजीब है, गाल बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब है। इधर तो बड़े रफ फड़े न, इन्हें किताबा लिखिया पैन ईमान वाले नहीं है, ईमान वाले नहीं है, ईमान वाले नहीं है, अबू तालिब ईमान वाले नहीं है। मैं कह तेरे सिर च कहीं दर्द है, तय कहीं पूछे
तवज्जो है या कोई ना? मसला है, मसला बहुत बड़ा मसला है। तैं कहने कह पूछे जो कौन ईमान वाला है ते कौन कह नहीं, जेड़े हुजूर दे कोल राने हैं ते हुजूर जे दे कोल राने हैं। इस गाल दा वजन तू सारा करने मेहरबानी फरमा है। यार गाल सुन, मैं दा उस बंदे दी शान क्या, तवज्जो जरा मैं दा, जे को हर वेले फिक्र मुस्तफा दी, महबूब को बलहावना किथे, खवावना क्या है, पिलावना क्या है, कपड़े पवावने कैसे, हर वेले चाही वदन, हर वेले चाही वदन, हर वेले चाही वदन। हे भी भतरीजा, हे भतरीजे भी हैं, मैं के खुदा दी कसम कमाल दी गाल है, रब दी जात ने मुस्तफा दे कमां वास्ते जे को चुन की थे ख्याल रखण वास्ते जे को चुने उगो उतारे बाट। सुभान अल्लाह, तवज्जो है या कोई ना? सुभान अल्लाह, ते कमाल ऐसा नाल वेने पैन कठे, सुभान, खाली ऐलान कहना थी आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अबू तालिब रले वेने पैन सरकार ये ले, एक घोड़े ते हुजूर, एक घोड़े ते जनाब ने बुताले, ठीक है? सुभान अल्लाह, गाल सुनो, देखो ना मैं इधर देखो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गाल बड़ी अजीब है, हुन एक चाचा है ते एक भतीजा है, सुभान अल्लाह, ठीक है सी, सुभान अल्लाह, हुन दोए इकट्ठे घरू रवाना थे, सुभान अल्लाह, घोड़े ते गर्मी दा मौसम है, दोपहर दा वेला है, घरू इकट्ठे निकले, वो सरकार अपने घोड़े थे, अबू तालिब अपने घोड़े थे, उन रस्ते च वेंदे पाए, उन दसो एक चाचा होवे, मैं सौखी गाल करा जरा समझ वैसो, एक होवे रले भतरीजा, जे को कम पाए वने तो चाचे को करना चाहिदा है ना, चाचा वड्डा जो होंदे भी भतरीजे दा ख्याल रखना चाचे दा काम है ना, जे भतरीजे को भुख लगे रोटी चाचे को खिंदे देवनी चाहिदी है, जे भतरीजे को प्यास लगे तो पानी चाचा पी रहे थी ना, जो मैं जो बड़ा हर अल्ले हाँ, ये तो मेरे रले मेरा भतरीजा है, इंदा ख्याल मैं रखने, पर गाल बड़ी अजीब है, जनाबे अबू तालिब भी घोड़े थे, सरकार भी घोड़े थे, गर्मी दा मौसम, दोपहर दा वेला, और उनको पता भी है, बोतल पानी दी कहे कोल कहे नहीं, मशकीजा चाद नूरा कहे कोल कहे नहीं, अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह प्यास लगी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं कह तू सा वड्डे ही वे, तू सा चाचे ही वे, पानी का इंतजाम खुद फरमा हुआ ना, पता तो है घरों निकले आए तो कट्ठे निकले आए, मशकीजा पानी का नाम आए चाहते ना मोहम्मद मुस्तफा चाहते, यो गाल समझण वाली हकीकत अंदरा होश का ते देखो, आज दे वेले पत्ते साफ जाहिर है के मशकीजा मैं भी नहीं चाहता, मुस्तफा करीम ने भी नहीं चाहता, मैं आहिस्ता बोले बेटा मैं इधर देखो जरा जुमला पूरा करने समय ते खुदा रा मेहरबानी फरमाओ, इत बैठे हुए जरा बाहर दा मजा खेल, सुभान अल्लाह, तवज्जो कर, मशकीजा मैं भी नहीं चाहता, महबूब ने भी नहीं चाहता, तिवल पानी सरकार कने क्यों मगरे पाया, पानी सरकार कने क्यों मगरे पाया, पानी को ले लावे ना उतू घोड़े दे तोर फिर ते देखे ना पानी के जो लाभ आवे ना, पर नहीं पता है ना, पता है ना, इतना सारे खजाने हुजूर दे ये ना, अच्छा अर्ज की थी यार सुल्ला प्यास लगी है, सुभान अल्लाह, आपने नहीं फरमाया चाचा मैं क्या करा, नहीं समझे, नबी क्या कर सकता है, नबी क्या, नबी से मांगना हराम है, नबी से मांगना शिर्क है, मैं कहता यो जरी दाढ़ी दा फायदा क्या, तेरे ते सिख च फर्क क्या रहा, जे रब को छड़ी दाढ़ी प्यारी होवे तो वाल सिख ही प्यारा लगे, दाढ़ी रखी वजह सिख गालू आ निस्बत है निस्बत, इमें नहीं हार से चंगी लगती, रब ने दाढ़ी दिती तू रखी वजह दाढ़ी, जे निस्बत तेरी मुस्तफा नाल नहीं तो दाढ़ी भी प्यारी नहीं, दाढ़ी प्यारी लग सी ता जो दिल च मोहब्बत है मुस्तफा रखते रहे, सिख बड़े प्यारे, सिख बड़े प्यारे होवे ना, सही मूड़ी मुंडवे नहीं कह नहीं सही, वो हर बला ते दाढ़ी रखी वदन, अच्छा तवज्जो गाल बड़ी अजीब है हजरत, जरा सौ खा लिए, अर्ज की थी चाचा गा मन को प्यास लग गई, गाल सुन, अच्छा तवज्जो है, पहला गिलास पता नहीं कहे जा के थे, चलो चलो रखो रखो डाली, अच्छा गाल यार बड़ी मजे दे तू सावन, अद्धे बंदे मजा गिंदे बैठे वे, अद्धे चुप कर दे बैठे, मैं कुर्सी चाहिए सा ते ए सबी कुर्सी सा ते अद्ध जा दे बाहर सा,
ਵਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇਂਦਾ ਸਭ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੀ ਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਬੋਲੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਗਾਲ ਸੁਣ ਗਾਲ ਸੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿਣੀ ਅੱਜ ਗਾਲ ਬੜੀ ਬਸੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੱਲੇ ਲਾਏ ਆਏ ਮੈਂ ਗਾਲ ਐਸਾ ਐਸਾ ਕਰਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ੁਦਾ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੱਲੇ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਤੱਲੇ ਲੱਥੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੱਲੇ ਲਾਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਰਾ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹਲਾਉਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਪ ਨੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਦਮ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਨੇ ਇਵੇਂ ਅੱਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਇਵੇਂ ਅੱਡੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹਾਲੀ ਮਜ਼ਾ ਅੱਗਾ ਆਵਣੇ ਕਿਬਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰ ਗਾ ਨਬੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੀੜੇ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਜਹਨਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸੜਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹਿਦਾ ਸੜਨੇ ਇਹ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਜਹਨਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਤਿਆਰ ਯਾਰ ਲਗਾ ਕਿ ਕਦਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਉਹਾ ਕਬੂਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੱਜ ਵੀ ਉਹਾ ਕਬੂਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਇਤਬਾਏ ਮੁਸਤਫਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕੋ ਗਾਲ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਪਈ ਜਰਾ ਸੁਣਨੀਏ ਪੜੀਏ ਇਸ਼ਕਾ ਲਈ ਸਮਝ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧਿਆਂ ਕੋ ਆਵੇ ਅੱਧਿਆਂ ਕੋ ਆਸੀ ਕਹਿਣਾ ਗਾਲ ਸੁਣੋ ਕਾਬਾ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਕਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸੀ ਆਲਾ ਦਾ ਫਰਮੇਂਦੇ ਪੈਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਨਬੀ ਸੈਂ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਮਾਇਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਾ ਦਿਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੰਗ ਸੀ ਬੈਠਾ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਕੀਕਤ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਲਿਟੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੱਕਾ ਪੂਜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਮਰਾ ਨਸੀਬ ਕਹਿਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੂੰ ਮੱਕਾ ਗਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੂੰ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕਾ ਗਾਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਨੂ ਦੀ ਗਾਲ ਹੈ ਉੱਥ ਗਾਇਨ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਗਿਆ ਮੈਂ 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 ਵਾਪਸ ਬਣਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਬਣਾ ਵਾਪਸ ਵਾਲਾ ਉਮਰਾ ਕਹਿਣ ਸੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਨੂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਨਸੀਬੀ ਯਾਰ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਵਾਂਜ ਤੇ ਉਮਰਾ ਨਸੀਬ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਥਾਉ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਕਨੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਂਧਿਆ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਮਰਾ ਕਰਨਾ ਨਸੀਬ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗਾਲ ਸਾਰੀ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇ ਹੈ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਉਨਕੇ ਤਫੈਲ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਜ ਵੀ ਕਰਾ ਦਈਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਤੱਕ ਵਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਜਾ ਗਾਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਗਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਹਮੀ ਗਾਲ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਹਨ ਹਾਜ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰਾਸੀ ਔਰ ਅੱਖ ਨਾਜ਼ਰ ਰਾਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਥੀ ਸੀ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੱਥ ਬਾਤ ਤੇ ਖੜਾ ਸੁਭਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਲਿਲਾ ਖੜਾ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਾਜ ਕਰਿੰਦਾ ਖੜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਜਿਹਾ ਗਾਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਂਦਾ ਅਮਲੁਕ ਅਜ਼ਾਨ ਥੀ ਗਈ ਬਰੇਲਵੀ ਆਦਨ ਮੈਂ ਨਬੀ ਸਹੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਤੇ ਖੜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਂਦਾ ਖੜਾ ਅਮਲੁਕ ਅਜ਼ਾਨ ਥਈ ਉੱਥਾ ਅਗਰ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਆਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਏ ਪਾਸੇ ਕਾਬਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਥਈ ਈ ਪਾਸੇ ਕਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝੋ ਈ ਪਾਸੇ ਮੁਆਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਈ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਤੇ ਖੜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਂਦਾ ਖੜਾ ਅਜ਼ਾਨ ਥੀ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਮੂੰਹ ਇਡੂ ਫੇਰਨਾ ਪੋਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਜੋ ਮੈਂ ਕੋ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇਡੇ ਹੈ
नबी सही कान मेरा मुंह है, मेरा मुंह में को फेरना पोसी और काबे तेरे करना पोसी, काबे तेरे करना पोसी, रूह एडा कायनी पर करना दा पोसी, क्योंकि लाजिम है ना काबे तेरे मुंह करना। हादन काबे तेरे मैं मुंह कीता, नमाज पढ़ की थी, नमाज दा सलाम फेरिया, मैं उठा वला मुंह कीता नबी पाक दे ते अर्ज की दोमी, उस शाह के रोजा सजदे को सूए हरम झुके। मैं समझा के चलना, उस शाख आशिक दी जमा रोजा रोजाए रसूल, और जेड़े आशिक रोजाए रसूल हैं उना काबे दे मुंह कर दे नमाज दा की दिए पढ़, उस शाह के रोजा सजदे को सूए हरम झुके, अल्लाह ही जानता है कि नीयत किधर की है। हर कहने पले नहीं ना काम बोन आला उना के उस शाह के रोजा, उस शाह के काबा ने साखा, उस शाह के रोजा सजदे को सूए हरम झुके, अल्लाह ही जानता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह ही जानता है कि नियत किधर की है। सारा रूह की दिहाई, सारी नियत की दिहाई, इधर सागो करण कोई ना देवे। हाँ सारी दुनिया कायनात झुकी खड़ी है काबे दे सामने, काबे कने पूछ ताई भी करण सजदा कीते। थकावट तो मैं कुर्बान, मैं को थकाई वेंदे वे ते आप हल दे चुल दे दे पाए है नहीं, तवज्जो फरमाए। मैंने गले वाला काम किया है थी, पिया पिया है थी ना, बा वजन वेले देखो पा राकेट साहब बंदी क्या है, लेकिन हकीकतन हकीकतन मैं के बार हर रबी अव्वल देखो यार गाल सुनो आपस की गाल है, सुभान अल्लाह, कहे चवल को डसण दी लोड़ी कहे, सुभान अल्लाह, आशिका दी गाल ते आशिका वास्ते गाल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं के बार हर रबी अव्वल दी रात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जुमला नोट करना मेहरबान, सुभान सुभान, 12 रबी अव्वल दी रात, सुभान अल्लाह, काबे दर जो डिठा, सुभान अल्लाह, ते काबा इने झुका खड़े, सुभान सुभान सुभान, बैतुल्लाह मुजरे को झुका, सुभान अल्लाह, ऑथेंटिक गाल है, दरख्त झुक के खड़े, दरख्त और तवज्जो करो खुदा रा, उन्हें गालियां वजनी, तो तरकड़ी छोटी है, मेहरबानी फरमाओ, मैं को वो माये टप